हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। ओके, नाउ लेट्स सी इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स। सी, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स के अंदर हमको ऑपकोड, इसका फॉर्मेट क्या होगा, फर्स्ट ऑपकोड एंड देन हमको एक बेस एड्रेस अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बेस एड्रेस इसका मैनुअली यूज होता है। जैसे सपोज हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इंट ए ऑफ 5 साइज, स्टार्टिंग एड्रेस सपोज करो कि यहां पे 1000 है, नेक्स्ट, ठीक है, यहां पे वैल्यू रखी हुई है, हमको ऑपकोड देन स्टार्टिंग एड्रेस यानी कि बेस एड्रेस अवेलेबल रहेगा। ठीक है, एंड देन हमको जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा वो बेस एड्रेस पे परफॉर्म करना है, जैसे मूव R0 देन लेट्स से बेस एड्रेस 1000। ओके, हम क्या करें, पहले क्या किए, ऑपकोड का टाइप, सॉरी, ऑपकोड का टाइप पहले रिकॉग्नाइज की, किस टाइप का है, मूव का, यानी कि डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे राइट करना है। ओके, कहां पे, आर नॉट पे। ओके, यानी कि डेस्टिनेशन फाइल आर नॉट, और वैल्यू को एक्सेस कहां करना है, बेस एड्रेस यानी कि 1000 से, यानी कि 3 आर नॉट रजिस्टर्स में ले आकर के हमको लिखना है 3। इसके लिए फर्स्ट इसको एक्सेस किए एक MR, ठीक है, देन रजिस्टर रेफरेंस किए एक RR। ठीक है, सपोज करो कि हमको इस एरे में कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट हो गई है, हमको थर्ड इंडेक्स का वैल्यू लाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरोथ इंडेक्स, 1, 2, 3, 4, यानी सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू हमको एक्सेस करना है। तो सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा बेस एड्रेस है, ठीक है, बेस एड्रेस है, उसमें जिस एलिमेंट के पास जाना है उसका एड्रेस ऐड कर देते हैं। सपोज सेकेंड एलिमेंट के पास जाना है, ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस जितना एलिमेंट उससे पहले होगा इनटू जो उसका साइज होगा, ये हो जाएगा उस एलिमेंट का साइज। ठीक है, तो इसको ऐड करके डायरेक्टली वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 1000 + 4, 1004 पे डायरेक्टली जंप किए, 1004 पे डायरेक्टली जंप किए और सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू फेच करके ला दिए। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली यूज होता है एरे में, यानी कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज करके एरे को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो पाता है, और इसके वजह से, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के वजह से हम क्या कर सकते हैं कि रैंडम इंडेक्स का कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, रैंडम एक्सेस पॉसिबल हो सकता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की वजह से। ठीक है, सी, अगर हमको यहां से डायरेक्टली 1-1 करके वो एक एक करके एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस किए, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ओके, उसके लिए जो ऑपरेशन अवेलेबल है उसको बोलते हैं प्री ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्री ऑटो डिक्रीमेंट। अगर यहां से स्टार्ट होकर के बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना है तो प्री ऑटो डिक्रीमेंट, यानी यहां से लेकर के इस डायरेक्शन में वैल्यू को एक्सेस करना है तो प्री ऑटो इंक्रीमेंट। ये दो कंसेप्ट यूज होता है कंटिन्यूअस वैल्यू एरे से एक्सेस करने के लिए, ठीक है, और रैंडम वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। सी, यहां पे जो इंडेक्स था, ओके, वो कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक कि मूव R0, हम क्या बोल रहे हैं कि बेस एड्रेस 1000 है, 1000 ऑफ, ठीक है,
थाउजेंड ऑफ आर जीरो। थाउजेंड ऑफ आर वन, तो आर वन जो रजिस्टर है वहां पे हम सपोज कर हमको सेकेंड इलिमेंट को एक्सेस करना था, सेकेंड इंडेक्स वाले इलिमेंट को एक्सेस करना था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स था हमारा, यानी कि जो सेकेंड इंडेक्स था हमारा, उसको कहां रख सकते हैं, आर वन रजिस्टर के अंदर रख दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम यहां पे ऐड कर रहे थे, साइज फाइंड कर रहे थे। ओके, हम यहां पे थाउजेंड प्लस आर वन कर सकते हैं। ओके, ये क्या आ जाएगा, 1004 मेमोरी लोकेशन पे ले जाएगा, और यहां से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा इंडेक्स है वो कहीं भी रख सकते हैं, हो सकता है हम रजिस्टर में रख दें, मेमोरी में रख दें, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें यहां पे। ओके, आई थिंक ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स के लिए इतना काफी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट मी डिस्कस वन स्मॉल थिंग है, इसको एक्सरसाइज करेंगे। यहां पे दिया हुआ मूव आर जीरो थाउजेंड ऑफ आर वन। ओके, ये क्या है, मेमोरी लोकेशन से इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, बेस एड्रेस। ओके, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस। ओके, तो हमको राइट कहां करना है वैल्यू को, आर नॉट में यहां से एक्सेस करना है। ठीक है, बेस एड्रेस मान लो थाउजेंड है, यहां पे थाउजेंड, ठीक है, प्लस आर वन इंडेक्स को इंडिकेट करता है। ओके, हम लोग जिस इंडेक्स पे जाना है उस इंडेक्स को यहां पे रख दिए हैं, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको एक रजिस्टर रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पे जाने के लिए एक रजिस्टर रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वन आर आर की रिक्वायरमेंट होगी, एक रजिस्टर रेफरेंस इसको एक्सेस करने के लिए। एस्केप हुआ है, ओके, उसका साइज फाइंड हम लोग कर लेंगे डाटा साइज से मल्टीप्लाई करके, उतना कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सपोज करो कि फाइंड कर लिए, टू इंटू टू फोर बाइट्स आ गया, हमको क्या करना है कि बेस एड्रेस में इसको एक्चुअल एड्रेस फाइंड करने के लिए हमको ऐड करना है। ओके, हमको जाना है इस पोजीशन पे, हम अभी है थाउजेंड पे, जाना कहा है फोर पे। ठीक है, तो एडिशन करेंगे तो वन एएलयू चाहिए, वन एएलयू चाहिए एड किए, फाइनली एड करने के बाद मेमोरी लोकेशन कितना आ गया, 1004। ओके, 1004 मेमोरी लोकेशंस। देन हमको कहां जाना है, 1004 मेमोरी लोकेशंस में, तो उसके लिए एक मेमोरी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इतना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तब जाकर के फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, मतलब कि जो भी इंडेक्स अवेलेबल है, जहां पर भी हमको रेंडमली जाना है, वहां पर सिर्फ वहां पर जाने के लिए कम से कम इतना ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। इसमें से जो रजिस्टर रेफरेंस है घट सकता है, अगर डायरेक्टली हम इंडेक्स दे दें 4, 2, 3, तो हमको रजिस्टर रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी, एक एएलयू की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, एक मेमोरी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, इतना कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल है। ओके, कहां स्टोर करेंगे, ऑप्शनल है। ठीक है, देन फाइनली इसमें राइट करने के लिए एक रजिस्टर रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, enough।